आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। संभल पुलिस ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में आग लगाने वाले 25,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। थाना कोतवाली संभल क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त जिला चिकित्सालय संभल में चौथे तल पर स्थित वार्ड में तथा आसपास रखे गद्दे पर्दे अन्य सामान में किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा आग लगा दी गई थी तथा अस्पताल की संपत्ति को नुकसान हुआ था। उक्त सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल तथा उप जिला अधिकारी विनय कुमार व स्थानीय पुलिस तथा दमकल विभाग द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर आगजनी को बड़ी मशक्कत के बाद काबू किया गया था। देखिए जिला विरोचित मुकेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। पूरा मामला 28 जून के दिन एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें जो जनपद संभल का जिला अस्पताल जो संभल कस्बे में है उसमें उसके चौथे फ्लोर में आग लगी थी। वहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा व स्थानीय लोगों की मदद से उस आग को तुरंत कंट्रोल में करके बुझाया गया। इसमें अस्पताल की काफ़ी संपत्ति का नुकसान हुआ लेकिन कोई जनमाल की हानि नहीं हुई थी। प्रथम दृष्टया यह आग शॉर्ट सर्किट से लगना हुआ प्रतीत हुआ था, लेकिन जब इसकी विस्तृत जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की गई तो उसमें एक व्यक्ति इसमें आग लगाता हुआ सामने आया, जिसका नाम राजा अंसारी पुत्र शाहिद अंसारी निवासी कुर्तीपुर इलाहा थाना नखासा जनपद संभल है। इस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है, आज इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसके विरुद्ध धारा 436, 427, 4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है। आगे इसके ऊपर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जाएगा। इसमें यह बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि उस समय कोई जनहानि अथवा किसी मरीज को कोई हानि इसमें नहीं पहुंची थी, अथवा इसके अन्यथा इसके द्वारा काफ़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। इसके द्वारा पूछताछ में अभी तक इसने हॉस्पिटल में समय से दवा न मिलने के कारण नाराज होने की वजह से आग लगाना बताया गया है, लेकिन इसकी जो पूछताछ है हम लोग और विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से अपील कर रहे हैं और इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। इसके पास से एक मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन, एक पासपोर्ट, आधार कार्ड, 4 विदेशी करेंसी के सिक्के, ATM कार्ड और अन्य इस तरह का सामान बरामद हुआ है। साथ में जो कपड़े ये समय घटना के समय पहने हुए था वो बरामद किए गए हैं। इसको आज पकड़कर माननीय न्यायालय भी है। सर, जैसा आपने बताया कि पासपोर्ट भी इसके पास से बरामद हुआ है, तो ये कहाँ कहाँ घूम के आ चुका है? इसके पासपोर्ट पर एक अभी विदेश यात्रा का डिटेल मिला है, बाकी इसकी विस्तृत जानकारी विदेश विभाग से की जाए।